आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, गुजरात के मूड को समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस गुजरात के चुनाव में सक्रिय नहीं है। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर से ना कोई रैली कर पा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाजपा को चुनौती नहीं दे पा रही है। कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। बाद में अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। डिलीट किए गए ट्वीट का आर्काइव माइक्रोसॉफ्ट विंग और याहू सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पर दिखता है। इसमें ट्वीट का समय भी नोट किया जा सकता है। ये अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम मेंबर कपिल ने रिप्लाई भी किया था। आम आदमी पार्टी सूरत के महिला विंग की सचिव सरोज बवलिया ने भी यह वीडियो ट्वीट किया। दिल्ली सरकार में एपीएमसी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो को एम्बेड करते हुए ट्वीट किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बेस ट्वीट डिलीट हो जाने की वजह से आदिल अहमद खान के एम्बेड ट्वीट में अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का लिंक तो है, लेकिन वीडियो मौजूद नहीं है। आप एक्सप्रेस नाम के आम आदमी पार्टी समर्थक अकाउंट ने भी यह वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया, लेकिन सच ये नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समर्थकों द्वारा शेयर किए गए वीडियो को देखें तो इसमें 22 सेकंड पर एक कट है। इसकी जांच करने के लिए हमने YouTube पर सर्च किया। हमें एबीपी न्यूज़ का ये प्रोग्राम 16 अक्टूबर 2022 को YouTube पर अपलोड किया गया मिला। इस प्रोग्राम को देखने पर मालूम हो जाता है कि वायरल वीडियो में 22 सेकंड के बाद एक कट लगाया गया है। असल वीडियो में एंकर सिटीन ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा किया था कि क्या आईवी की रिपोर्ट से केजरीवाल को क्लू मिल गया है, क्या आईवी की कोई ऐसी रिपोर्ट होती भी है। लेकिन वायरल वीडियो में ये पार्ट नहीं है क्योंकि इस पार्ट को काट कर हटा दिया गया था। इसके बाद जब न्यूज़ एंकर श्रीन संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, तब का वॉइस ओवर भी वायरल वीडियो में बदल दिया गया है। वायरल वीडियो में 33 सेकंड पर एबीपी न्यूज़ की इस वीडियो में ग्राउंड रिपोर्ट्स के कुछ विजुअल्स दिखते हैं। असली वीडियो में वॉइस ओवर में एबीपी न्यूज़ ने केजरीवाल के आईवी से जुड़े बयान पर सवाल खड़ा किया था, जबकि एडिटेड वीडियो में कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर गुजरात चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश की गई है। वायरल वीडियो में विजुअल्स के साथ साथ 33 सेकंड के बाद टिकर भी अलग दिखाई देता है। असली टिकर में गुजरात का पर्चा, खुफिया सर्वे की बड़ी चर्चा, गुजरात चुनाव को लेकर आपका दावा लिखा है, जबकि अरविंद केजरीवाल द्वारा शेयर किए गए वीडियो के टिकर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है और कांग्रेस पार्टी को गुजरात चुनाव प्रचार में असक्रिय बताया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल व आम आदमी समर्थकों द्वारा शेयर किया गया वीडियो पूरा का पूरा फर्जी है। स्क्रीन पर आप विजुअल्स कंपैरिजन से टिकर में किया गया बदलाव साफ देख सकते हैं। साथ ही दी ललन टॉप के पत्रकार अंशुल सिंह ने भी ट्वीट करते हुए पॉइंट आउट किया था कि अरविंद केजरीवाल द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो एडिटेड है। कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट को एडिट कर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया और लोगों को गुमराह करने और अपनी तारीफ पाने की कोशिश की। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और साथ ही देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है, शुक्रिया।